हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायरफाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम आपको एलपीजी गैस का डेमो देने जा रहे हैं, जिसमें आप घरेलू जो हम एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं उसकी उसमें अगर हमें खाना बनाते समय या कभी आग लग जाए तो हम उसको किस प्रकार मैनेज करेंगे, किस प्रकार उसको एक्सटिंग्विश करेंगे बिना किसी फायर एक्सटिंग्विशर के। अपने जो घर पे जो साजो सामान होता है, जैसे बकेट हो गया या फिर हमारे खुद के हाथों द्वारा या गीले कपड़े के द्वारा, हम उसको किस प्रकार हम बुझाएंगे और उसको किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले जैसे हमारा लकीर हो जाए या इस प्रकार की अगर आग लग जाए तो हम डायरेक्टली उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं लगा के उंगली। और इसमें जो ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं होता, खाली ये होता है कि जब हमारा कोई भी गैस है उसको अगर हम प्रेशराइज करके उसको टैंक में भरा जाता है तो जब वो खाली बाहर निकलता है तो वो कूल होता है, कूलिंग होता है। तो इसके और आग के बीच में डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस में हमें जलने का कोई खतरा नहीं होता। बीच में खाली कूलिंग गैस होता है और आग जो होता है वो कम से कम 2 या 3 इंच आगे है वहां पे लगी होती है। तो हम यहाँ से नॉर्मली यहाँ से उसको उंगली से अंगूठे से जिस भी माध्यम से हमें एकदम अच्छे से इसको दबा देंगे तो आग जो है कंट्रोल हो जाएगी। अगर ऐसा कभी होता है जैसे यहाँ से लकीज हो, यहाँ से कहीं से भी लकीज हो, अचानक से आग लग जाए तो आप डायरेक्ट उसको उंगली से दबा के उसको बुझा सकते हैं या फिर किसी गीले कपड़े से उसको आप बुझा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे सेकंड मेथड। अब अगर हमारा जैसे पहले पाइपलाइन अगर लीकेज हो जाए उसको कैसे हम बुझाते हैं, उसके बाद अगर हमारा डायरेक्टली यहाँ से कभी लीकेज हो जाए रेगुलेटर से यहाँ से फायर हो रहा है तो उसको हम कैसे एक्सटिंग्विश करें। और नॉर्मली ये जो एक्सपर्ट की जो है स्थिति में किया गया देख रेख में, अगर आप घर पे इसको अकेले यूज ना करें आपका आग लग जाए कभी भी रेगुलेटर में तो भी ये बीच का जो डिस्टेंस है, बीच में आप जो डिस्टेंस देखते हैं यहाँ से कम 3 से 4 इंच के बीच कोई भी फायर नहीं होती, उसके आगे जो है फायर आपका प्रज्वलन होती है। तो इस बीच का जो गैप है उसके अंदर जो है कूलिंग हमारी गैस होती है एलपीजी, तो वहां पे आपको किसी भी प्रकार का जलने का खतरा नहीं रहता और आप आसानी से आपको एक्सट्रूज कर सकते हैं। अब अगर हमारे यहाँ से यहाँ पे भी आग लग जाए, रेगुलेटर में आग लग जाए, आपको जो है उसमें हाथ आप किसी भी प्रकार से हाथ नहीं लगा सकते। अगर आपको लग रहा है जलने का खतरा है तो घर में जो नॉर्मली हमारा बाथरूम की जो बकेट होती है कपड़े धोने के लिए जिसको यूज करते हैं, उस प्रकार की कोई भी बकेट जो होती है उसका हम यूज करके इसको एक्सट्रूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बकेट की सहायता से भी इसको आप बुझा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है पूरी प्रॉपर तरह से इसका जो है इसमें और कोई लॉजिक नहीं है, खाली आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको आपको कट करना है। ऑक्सीजन सप्लाई आप किसी भी माध्यम से कट कर सकते हो, आप उसको क्लोज करके कर सकते हो, जैसे उसको ब्लैंकेट करके कर सकते हो, बकेट बकेट डाल के कर सकते हो, या फिर आप अंगुली से अंगूठे से किसी भी प्रकार से आपका मैन जो इसमें आपका एलपीजी की आग जो हमारी है गैस फायर है उसको एक्सट्रूज करने का जो मैन लॉजिक है पर्पज है उसमें से एक ही जो है एलिमेंट को कट करना है आपने, तो CO2 को हटाना है। CO2 को हम इसके ऊपर कंबल डाल के हटा सकते हैं, बकेट डाल के हटा सकते हैं, अंगूठे से या उंगली से पाइप को क्लोज करके जिस भी प्रकार से हम इसको हटाएंगे खाली ऑक्सीजन को तो हमारा जो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा। बस मैं यही इसका पर्पज तरीका है। अब हम आपको बताएंगे ब्लैंकेट से कैसे बुझाते हैं। अब अगर नेक्स्ट हमारा जो है इसमें एक्सटिंग्विश करने का तरीका है कंबल की सहायता से। अगर आपके पास कंबल है, टॉवल है, कोई भी कपड़ा है जिसको आप गीला करके इसको कवर करके भी आपको एक्सटिंग्विश कर सकते हो। अगर आपके पास अन्य कोई भी जो है इसका संसाधन नहीं है बुझाने के लिए तो कंबल या टॉवल वगैरह से आप कैसे उसको बुझाएंगे उसका आपको हम बता देते हैं। अब इसमें आपको आपका हाथ को सेफ रखना है अंदर के और हाथ को बचाना है, उसके बाद आपको इसको एक्सटिंग्विश करना है।
आप देख सकते हैं आग जो है बुझ गई है। तो इसका जो आपको इसको लेना है अंदर, तो खाली आपका हाथ जो है अंदर को सरफेस होना चाहिए ताकि आपका कवर हो जाए। ये नहीं कि आप ऐसे करके बुझा रहे हो तो आपके हाथ जल जाए। आपके अंदर हाथ जो है वो कंबल या तौल के अंदर कवर होनी चाहिए। उसके बाद चारों ओर से रोल करके धीरे से ऊपर चारों ओर से धीरे धीरे करके दबा देना है ताकि इसका ऑटो सप्लाई कट हो जाए और आपकी जो है आग है ये इसकी सिलेंडर की गैस फायर है वो आपके एक्सटिंग्विश हो जाए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।